तो जैसा कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, एक सेरा बना हुआ है जो हम लोग इसको हौदा के नाम से हम लोग जानते हैं, हौदा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 इंची का पाइप यहाँ पर कनेक्शन हुआ है। इसी के थ्रू से क्या होता है कि ये हौदा में पानी ना भरते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें देखिए 1 इंची का बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, सॉकेट लगा हुआ है UPVC का, और ये पाइप पूरा UPVC का पाइप है, बल्ब भी है। तो इसमें क्या है कि दोस्तों इस नोज़ल को इसमें कनेक्शन करना है। क्लाइंट का कहना है कि इसमें मेरा ये नोज़ल लगा दीजिए ताकि इसमें क्या हुआ कि गार्डन पाइप जो रहता है कनेक्शन करके फिर पूरा इधर पटा सके। तो चलिए दोस्तों इस नोज़ल को इसमें कनेक्शन करेंगे। तो इसमें क्या है कि इस नोज़ल के अलावा और अलग से कोई भी फिटिंग्स पार्ट्स नहीं है। अब इसमें यहाँ पर देखिए 1 इंची का सॉकेट लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें इसके अलावा और फिटिंग्स पार्ट्स नहीं है। जैसे कि अगर इसमें यहाँ पर 1 इंची का FTA रहता तो आसानी से, सॉरी MTA रहता तो आसानी से ये फिटिंग हो जाता, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये फीमेल थ्रेड है इसमें, तो इसमें चूड़ी का सिस्टम है, तो इसमें इस तरह से कनेक्शन होगा नहीं। तो इसके जगह में क्या करते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर MTA ब्रास रहता या फिर प्लेन MTA भी रहता 1 इंची का, तो आसानी से इसको हम लगा सकते थे। बिना MTA के हम इसको कैसे कनेक्शन करेंगे दोस्तों, आज की वीडियो में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ पाइप रहे और एक ये नोज़ल रहे जो गार्डन पाइप इसमें कनेक्शन किया जाता है, तो इसको कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये 1 इंची का देखिए रेचर है जो इसे थ्रेड बनता है, ये आपको रखना होगा। इसके थ्रू से क्या करेंगे कि आप इस सिस्टम को इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए इसमें कनेक्शन करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसके सहायता से इसमें थ्रेड बनाएंगे, थोड़ी बनाएंगे। ये हमारा 1 इंची का रेचर है दोस्तों। अगर इस तरह का सिस्टम आपको करना पड़े तो इसका आवश्यकता पड़ती है। अब देख सकते हैं आसानी से बन जा रहा है ये। इसमें हमारा देख सकते हैं ये थ्रेड बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, इस नोजल को इसमें लगा देंगे। अब इसमें क्या है कि दोस्तों पार्टनर गार्डन पाइप इसमें लगा के कनेक्शन करके अपना ले जा सकते हैं कहीं और।